ये इस सरकार का जाना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन ठाकुर का के कुएं की माफ की जा रही है। कहते हैं माई की पार्टी बाप की पार्टी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन नहीं, ये माई की पार्टी थी, ये बाप की पार्टी थी, और सबसे पहले ये ससुराल की पार्टी थी। जान जाए पर वचन न जाई, लेकिन ठाकुर का कुआं कह करके जो गाली देगा उस ठाकुर के कुआं में सरकार भी डुबाया। किसी चपरासी के बेटे का ऋण नहीं खाए हैं, कर्जा नहीं खाए हैं। आज कहते हैं हम लोग क्षत्रिय हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई, सही बात है, प्राण जाए पर वचन न जाई, लेकिन ठाकुर का कुआं कह करके जो गाली देगा उस ठाकुर के कुआं में सरकार भी डुबाया और शपथ ग्रहण भी डुबा दिया। ये है छात्र। किसी चपरासी के बेटे का ऋण नहीं खाए हैं, कर्जा नहीं खाए हैं, दो सीट दिया, दो सौ सीटों पर समर्थन लिया। कहते हैं माई की पार्टी बाप की पार्टी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, लेकिन नहीं, ये माई की पार्टी थी, ये बाप की पार्टी थी, और सबसे पहले ये ससुराल की पार्टी थी। स्व से साधु, सु से सुभाष, रा से रावणी, ल से लल, ससुराल। और आज भी ये ससुराल की ही पार्टी है। स्व से संजय, सु से सुनील, रा से राजश्री, अल्लाह से लभुअन। आज भी ससुराल की पार्टी, माफ कीजिएगा, ये इस सरकार का जाना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन ठाकुर का के कुएं की माप की जा रही है, गहराई नापा जा रहा, उसी दिन हमने तय किया था कि सरकार को सही समय पर जवाब देंगे। आज लोग कहते हैं क्षत्रिय की ये आदत नहीं है, ये बदल जाए। साथियों, तब शिवाजी का नाम लेना बंद करो, उसकी चतुराई, उनकी कूटनीति का नाम लेना बंद करो, ये कहना बंद करो कि शिवाजी हमारे पुरखे थे। और चेतन आनंद पाला नहीं बदला, चेतन आनंद वचन नहीं बदला। साथियों मित्रों, जनते के चोट पर विपक्ष को छोड़कर और सीधे सत्ता पक्ष में मजबूती से आके बैठा, और जो हिसाब किताब करना था वो हिसाब किताब हुआ। इसलिए साथियों, आज कुछ लोग उपदेश दे रहे हैं, कुछ लोग उपदेश दे रहे हैं, नसीहतें बांट रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आज हमें नसीहत दे रहे हैं पटना में बैठकर देश के सामने, आनंद मोहन हर भौंकने वाले का जवाब नहीं देता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मुंह खोलेंगे और सब नंगा होंगे।